नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमंदर जी और आप देख रहे हैं बाप न्यूज। चलिए देखते हैं बाप क्षेत्र की आज की बड़ी खबरें। बाप थाना क्षेत्र के टेकरा गांव में सरकारी स्कूल में बने वेलनेस सेंटर में जबरदस्ती अंदर घुसकर सेंटर प्रभारी व ग्राम विकास अधिकारी को धमकियां व गाली देने वाले युवक को बाप पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया। एएसआई डूंगर सिंह ने बताया कि 30 मार्च को टेकरा गांव में गांव का ही युवक श्याम सिंह पुत्र स्वाई सिंह राजपूत बिना परमिशन जबरदस्ती वेलनेस सेंटर में घुस गया था। युवक ने वेलनेस सेंटर में मिले प्रधानाचार्य व ग्राम विकास अधिकारी के साथ गाली गलौज करने के साथ उन्हें धमकियां भी दी। ग्राम विकास अधिकारी व प्रधानाचार्य की रिपोर्ट पर राजकार्य में बाधा डालने, सरकारी आदेशों की अवहेलना करने का मामला दर्ज कर युवक की गिरफ्तारी के प्रयास किए, लेकिन वह फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि रविवार को आरोपी श्याम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया तथा कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया। स्पॉटिफाई लॉकडाउन बाप क्षेत्र में अटके अन्य जिलों के मजदूरों के लिए राहत भरा साबित हो रहा है। एक माह से यहां अटके मजदूरों को वापस भिजवाने की कवायद आज उपखंड प्रशासन ने शुरू कर दी है। सभी मजदूरों को बस के माध्यम से भेजा जा रहा है। इनमें अधिकतर हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले के मजदूर हैं। बसों में रवानगी से पूर्व सभी की चिकित्सकीय जाँच की जा रही है। स्क्रीनिंग के बाद सभी को बसों में बैठाया जा रहा है। आज 100 से अधिक मजदूरों को उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया था। उपखंड अधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि अन्य राज्यों के मजदूरों को भेजने की अनुमति नहीं है। राज्य के ही अन्य जिलों के मजदूरों को उनके गांव भेजा जा रहा है। ये मजदूर जिस कार्य में दक्ष हैं वह कार्य अभी यहाँ नहीं है। ऐसे में अच्छा है कि वे अपने घर जाकर अपने कार्य को कर सकें। फलोदी अतिरिक्त जिला कलेक्टर हाकम खान आज मंगलवार सुबह 6 बजे फलोदी सब्जी मंडी निरीक्षण के लिए पहुंच गए। वहां की अव्यवस्थाओं को देखकर वे भी चौंक गए। उन्होंने तत्काल पुलिस को मौके पर बुलाकर मंडी में व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्थायी सब्जी मंडी परिसर में सोशल डिस्टेंस रखने, भीड़ को काबू रखने, दुकान के अतिक्रमण को हटाने, वाहनों की उचित पार्किंग एंट्री, मंडी में व्यापारियों एवं ग्राहकों द्वारा मास्क पहनने की सुनिश्चितता को करने के निर्देश दिए गए। साथ ही एडीएम ने मंडी सचिव को समस्त निर्देशों की पालना कराने, भीड़ नहीं लगाने, मंडी परिसर में लंबे समय से खड़े वाहनों को हटाने, 11 बजे तक ही एंट्री देने, मास्क अनिवार्य करने, आड़तों को सैनिटाइज करने, किसान की उपज का सही दाम मिले, समस्त कांटों एवं तोल का निरीक्षण करने के सख्त निर्देश दिए गए। एडीएम ने फलोदी शहर में पुलिस तैनाती करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने खारा चेक पोस्ट का निरीक्षण कर रात्रि ड्यूटी पर ध्यान रखने संबंधित आवश्यक निर्देश दिए कि कोई भी वाहन बिना परमिट और बिना चेकिंग प्रवेश न करें। जोधपुर जिले के खेड़ापा थाना क्षेत्र के भटकोरिया गांव में काजरी कर्मचारी डूंगर राम की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण राहुल बारहट ने बताया कि 18 अप्रैल की सुबह को पुलिस थाना खेड़ापा थाना क्षेत्र के भटकोरिया गांव में डूंगर राम पुत्र सताराम जाति मेघवाल निवासी पातों की बासनी की जमीनी विवाद को लेकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मामले में आज मंगलवार को खेड़ापा थानाधिकारी केसाराम के नेतृत्व में गठित टीम ने हत्या के आरोपी भगवान सिंह उर्फ भग सिंह पुत्र देवी सिंह जाति राजपूत निवासी भटकोरिया एवं अर्जुन राम पुत्र मानाराम जाति देवासी निवासी भटकोरिया को गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर जिले की मतुड़ा पुलिस ने अपहरण कर 20 लाख की फिरौती मांगने व नहीं देने पर अपहृत को मारने की धमकी देने के मामले का 10 घंटे में पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण राहुल बारहट ने बताया कि मंगलवार को संतोष डागा निवासी पूना सर ने पुलिस थाना मतोड़ा पर सूचना दी कि उसके व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबरों से कॉल एवं मैसेज करके धमकी दी कि उसके इकलौते पुत्र की जान की सलामती चाहते हो तो पैसे लेकर आ जाना। आरोपी ने स्वयं को 007 गैंग का सदस्य बताया। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर मतोड़ा थानाधिकारी नेमाराम इनानिया एवं देवाराम विष्णुई जिला विशेष टीम ने फिरौती मांग करने की घटना में समस्त साक्ष्यों का गहनता से विश्लेषण करने पर हुकमाराम पुत्र रामूराम जाट निवासी जानियों की ढाणी पूना सर द्वारा उक्त वारदात करना सामने आया। हुकमाराम की संदिग्ध भूमिका सामने आने पर पुलिस ने उसे दस्तियाब कर गहनता से पूछताछ की, जिस पर उसने व्यापारी संतोष डागा से उद्यापन कर फिरौती मांगना स्वीकार कर लिया। आरोपी हुकमाराम जाट ने पूछताछ में बताया कि वह पूना सर ICICI बैंक में कस्टमर काउंसलर लगा हुआ है। स्वयं को लग्जरी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए रुपयों की आवश्यकता को पूरा करने एवं धनी होने के लिए फिरौती की मांग की थी।
पूर्व यूथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कासम खान व उनके दोस्तों ने बाप थाने में हाथ धोने की मशीन दी है। देसी जुगाड़ तकनीक से बनाई गई इस मशीन से पैर से दबाने पर हेड वॉश डिब्बे से लिक्विड हाथ में आएगा तथा पैर से दबाने से ही नल से पानी आएगा। थानाधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित ने हाथ धोकर मशीन का उद्घाटन किया। थानाधिकारी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे पानी का अपव्यय भी रुकेगा। अधिकांश बार हाथ में साबुन या अन्य लिक्विड लगाने के बाद हाथ धोने तक नल में पानी बहता रहता है, लेकिन इसमें जब आवश्यकता होगी तब पैर से दबाकर पानी शुरू किया जा सकता है। दूसरा, नल व हेड वॉश डिब्बे के हाथ नहीं लगाने की वजह से संक्रमण मुक्त भी रहेंगे। इस दौरान ASI डूंगर सिंह, फलोदी नगर पालिका पार्षद कैलाश सुथार तथा मशीन निर्माता पीयूष सुथार भी मौजूद थे। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ उप शाखा बाप ने बाप ब्लॉक में कार्यरत कुक कम हेल्पर का बकाया 5 माह का मानदेय सहित लॉकडाउन अवधि का भी मानदेय दिलाने की मांग की है। उप शाखा बाप अध्यक्ष देवीदान चारण एवं सचिव रामचंद्र सुथार ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में संचालित मिड डे मील योजना में विद्यार्थियों के लिए दोपहर का खाना बनाने वाली कुक कम हेल्पर को मासिक मात्र 1320 रुपये मानदेय दिया जाता है। यह भी बीते 5 महीनों से बकाया पड़ा है। वर्तमान में मनरेगा श्रमिकों का मानदेय भी इससे बहुत अधिक है। सरकार न तो इनका मानदेय बढ़ाती है और न ही समय पर इसका भुगतान करती है। चारण ने ADM आयुक्त जयपुर को मेल प्रेषित कर संकट काल में बकाया मानदेय व लॉकडाउन की अवधि का मानदेय दिलाने की मांग की है। लॉकडाउन में जरूरतमंदों को राशन सामग्री देने का सिलसिला अनवरत जारी है। भामाशाहों के अलावा संगठन सहित सोलर कंपनियां भी इसमें आगे आ रही है। महेश व्यास की टीम ने आज मंगलवार को बाप में बावरी की ढाणी, भीलों की ढाणी, जैतलासर, महादेवपुरा, घटोर, मांडली तथा भोजों की बाप, जोगियों की बास बाप में 300 खाद्य सामग्री के पैकेट वितरित किए। इस दौरान पहाड़ सिंह रावरा, भास्कर पुरोहित, प्रदीप गुचिया, मनोज माली, कन्हैयालाल माली, अलादीन जसराज, हरीश पुरोहित, नरेश व्यास, पंकज छंगाणी, मनोज पुरोहित, राजा जोशी, नरेश पुरोहित, अशोक पुरोहित, मोहित जोशी, अखिराज खत्री, सवाई सिंह मनचीतिया, शंभू सिंह मनचीतिया आदि ने साथ रहकर सहयोग किया। इसी प्रकार हीरो फ्यूचर एनर्जीज भड़ला द्वारा 101 राशन किट अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी कार्यालय में वितरण के लिए दिए गए हैं।